वीरेश, अब हम चलेंगे अनुभव के पास। अनुभव उस जगह पर है जहाँ पर आज कार्यक्रम होना है, और अनुभव हमें दिखाएंगे कि वहाँ पर चल क्या रहा है इस वक्त और क्या तैयारी है, क्या होना है जब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और तमाम दिग्गज वहाँ पर इस कार्यक्रम के लिए उपस्थित रहेंगे। दिखाइए अनुभव। देखिए, बिल्कुल हम मंच के बिल्कुल सामने हैं, जो मीडिया गैलरी बनाई गई है हम वहाँ मौजूद हैं। सामने ये बड़ा सा मंच बनाया गया जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 1:20 पर पहुँचेंगे। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल होंगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। ये पूरा भव्य पंडाल जो है ये बनाया गया है जहाँ पर आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात उत्तर प्रदेश को मिलेगी, जो 341 किलोमीटर लंबा है। सरकार कह रही है कि ये पूर्वांचल के विकास का एक्सप्रेसवे होगा। इसके बन जाने के बाद अब पूर्वांचल जो पिछड़ा अगर हम कहें क्षेत्र में जिसकी गिनती होती है, तो वो भी विकास के पथ पर दौड़ेगा और फुल स्पीड में दौड़ेगा। क्यों दौड़ेगा? क्योंकि इस पूरे एक्सप्रेसवे के किनारे दोनों तरफ ये योजना सरकार ने तैयार की है। इंस्टीट्यूशनल लैंड देगी, इसके अलावा इंडस्ट्रियल लैंड देगी। जिसको भी आना है, इंडस्ट्री लगानी है, आए इंडस्ट्री लगाए, सब्सिडी मिलेगी। इंस्टीट्यूट खोलना है, बड़े कॉलेज खोलने हैं, आए कॉलेज खोले, स्कूल खोले। और जब ये सारी चीज़ें खुल जाएंगी तो जो पूर्वांचल का युवा है, जो नौकरी के लिए कहीं महाराष्ट्र जाता है, कहीं दिल्ली जाता है, अलग अलग शहरों में जाता है, तो वो वहाँ नहीं जाएगा, यानी यूथ का पलायन नहीं होगा, यहीं पर रोजगार मिलेगा। और यही तो वजह है कि पूर्वांचल की गिनती अभी तक पिछड़े इलाके के लिए क्यों होती रही, इसीलिए होती रही। इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ है नहीं, रोड वहाँ है नहीं, इस तरह का कोई एक्सप्रेसवे था नहीं। अब इस एक्सप्रेसवे को जब शुरू किया जा रहा है, सरकार का दावा है कि इसके बन जाने के बाद पूर्वांचल के विकास को नई गति मिलेगी। खुद प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, साफ तौर पर ये कहा कि जो भी शहर इसके आसपास है वहाँ अब विकास की एक नई गाथा लिखी जाएगी। कुल 9 जिले आएंगे, लखनऊ से आप शुरू करेंगे, जो चांद गांव है वहाँ से और गाजीपुर तक 341 किलोमीटर के इस पूरे दायरे में 9 शहर आएंगे, तो उनका विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, लोगों को यहीं पर रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा जब इंडस्ट्री लगेगी। लेकिन जो बात आपने कही कि सियासत, यह सियासत का भी एक्सप्रेसवे है, इसलिए ये है कि अब चुनाव बेहद करीब है। सरकार कह रही है कि हमने इस एक्सप्रेसवे का निर्माण किया, अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं कि दरअसल ये तो समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे था जिसका शिलान्यास हमने 2016 में ही किया था, प्लान हमारा था। पर बहुत सारी चीज़ें बदली, बहुत सारी चीज़ों को बदलने के बाद, और सबसे महत्वपूर्ण है, पूरी तरह से इसे शुरू किया जा रहा है। जबकि आप देखिए, जब लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे का अगर हम कहें, वो भी महीना था नवंबर का, साल था 2016 का, तारीख थी 21 नवंबर, और तब जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है उसका शुभारंभ हुआ था, और तब भी इसी तरीके से जो टच डाउन आज होना है, एयर शो होना है, वो तब भी हुआ था, लेकिन तब काम 76-78% ही पूरा हुआ था, यानी 22-24% काम उस एक्सप्रेसवे का सरकार बदलने के बाद जब बीजेपी सरकार आई उसने पूरा कराया। यही बार बार बीजेपी के लोग भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमने जो काम किया, हमने जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया है, वो पूरा हमने ही बनाया है, ना केवल शिलान्यास किया प्रधानमंत्री ने 2018 जुलाई में, बल्कि आज उसका उद्घाटन भी हो रहा है। और बार बार अनुभव ये बात कही जाती है, बार बार ये दावा किया जाता है, प्रधानमंत्री भी कहते हैं, मुख्यमंत्री भी कहते हैं, ठीक है, आपने बार बार ये कहा जाता है, इस बात को एम्फसाइज करके कहा जाता है कि हम उद्घाटन भी करते हैं, हम शिलान्यास भी करते हैं, हम उद्घाटन भी करते हैं, लोकार्पण भी करते हैं, टाइम बाउंड काम बीजेपी करती है, बीजेपी की सरकारें करती हैं, ये बार बार दावा किया जाता है। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए।